हाय गाइस, वेलकम टू लव्स किचन। आज हम बनाएंगे मैगी मंचूरियन। ये एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए शुरू करें। एक पैकेट को क्रश करके पानी में बॉईल कर लेंगे। सेकेंड पैकेट को भी हम क्रश करके रखेंगे, बट उसे हम मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए रखेंगे। अब इस पैन में हम मैगी का टेस्ट मेकर ऐड कर देंगे। टेस्ट मेकर को अच्छे से मिक्स कर देंगे नूडल्स के अंदर। कुछ ही मिनटों में मैगी आपकी ये तैयार हो जाएगी। कि ये मैगी अब आपकी तैयार है। इसमें हम कटी हुई धनिया डालेंगे और कैप्सिकम कटी हुई डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालेंगे और लहसुन, थोड़ी सी मिर्च डालेंगे इसमें। अब इसमें एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम मंचूरियन बॉल्स बनाएंगे हाथों से और रिमेनिंग नूडल्स जो क्रश करके रखे होते हैं उसमें इसे कोट करके रख देंगे। प्रेस करते हुए इन मंचूरियन बॉल्स में क्रश नूडल्स को चिपका देंगे। सारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हैं फ्राई होने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम मंचूरियन सॉस बनाएंगे। मंचूरियन सॉस बनाने के लिए एक बोल में हम एक छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस डालेंगे, दो छोटा चम्मच केचप डालेंगे, एक छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। अब हम इसमें दो छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। दो बड़े चम्मच पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि कॉर्नफ्लावर के कोई भी लम्स इसमें ना रह पाएं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करके एक यूनिफॉर्म लिक्विड बना लेंगे। तेल गरम करेंगे और इसमें मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे। हीट हम लो टू मीडियम रखेंगे। बीच में हल्का सा टर्न करते रहेंगे, थोड़ी देर में ये अपना कलर चेंज करने लगेंगे। गोल्डन होते ही हम इन मंचूरियन बॉल्स को बाहर निकाल लेंगे। टाइम में दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें कटी हुई लहसुन डालेंगे, कटी हुई प्याज मिलाएंगे और दो तीन मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे, जब तक प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें हम चॉप्ड कैप्सिकम ऐड करेंगे। इसे एक मिनट तक चलाएंगे। अब हम इसमें मंचूरियन सॉस को ऐड करेंगे। सॉस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। लगातार चलाते रहेंगे।
हाफ कप वाटर डालेंगे। हमने जो लेफ्ट ओवर नूडल्स थे क्रश्ड, वो भी इस पानी में मिला दिए हैं, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आप ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। देखेंगे अब थोड़ी देर में बॉयल होने लगेगा, तब आप इसमें सारे मंचूरियन बॉल्स ऐड कर दीजिएगा। ग्रेवी के थिक होने तक हम इसे कुक करना होगा। इसमें हम सारे बॉल्स को ग्रेवी में कवर कर देंगे अच्छे से चलाते हुए। मैगी मंचूरियन आपका तैयार है, इसे आप सर्व कर सकते हैं नूडल्स या फ्राइड राइस के साथ, या आप इसे सिर्फ अकेले भी खा सकते हैं। दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।